दुपहिया चोरी में लिप्त दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर रवि गजानन महल्ले उम्र 30 वर्ष राणा लेआउट गोधनी निवासी को धर दबोचा है। उसने धंतोली तथा यवतमाल से बाइक और दुपहिया चुराना कबूल किया। इसी तरह नंदनवन थाना परिसर से दुपहिया चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शाकिब शेख अब्दुल कलाम शेख उम्र 23 वर्ष हिवरी नगर निवासी है। 11 अगस्त को प्रेमदास पाटिल नीलकमल नगर नरसाला के सेंट जेवियर स्कूल के सामने से दुपहिया चुरा ली गई थी। पुलिस को जांच में शाकिब के लिप्त होने का पता चला। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने 3 दुपहिया चुराने की बात कबूली, जिस पर उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। नंदनवन पुलिस स्टेशन के डीबी पार्टी पुलिस स्टेशन के एरिया में जो टू व्हीलर चोरी हो गए, जो चोरी घर में चोरी हो रहे, ऐसे आरोपियों का सर्च कर रही थी। तभी 7 अक्टूबर को एक संशयित किस्म जो टू व्हीलर एक्टिवा के ऊपर जा रहा था उसको पुलिस ने रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं, तो पुलिस ने उसका पीछा किया। तो बाद में उसको जाकर पकड़ने के बाद उसके पास इंक्वायरी किया तो जो गाड़ी चला रहा था वो रिकॉर्ड पर का आरोपी निकला, और उसके पास जो गाड़ी मिली थी वो चोरी की गाड़ी थी। उसको गाड़ी के डॉक्यूमेंट उसने नहीं दिखाए, तो गाड़ी के नंबर के ऊपर से हमने सर्च किया और मालिक से कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये गाड़ी चोरी हो चुकी है। तो उसके बाद उसको ताबे में लिया, उसको अरेस्ट किया, और उसके बाद और इंक्वायरी करने के बाद, और इसके पहले उसने दो बार उसने चोरी की हुई है, उसने वो कबूल किया। बाद में जो चोरी किए थे वाहन वो भी हमने जब्त करवा दिए। इसमें आरोपी का नाम है शाकिब शेख अब्दुल कलाम शेख, ये आरोपी है, और टोटल 3 मोटरसाइकिल हमने जब्त किए हैं। तारा न्यूज के लिए विशाल भंबड़वार की रिपोर्ट। नमस्ते, देखो हम आदिवासी है, हम कर्नाटक मैसूर से हम आदिवासी होते हैं। हम जंगल में जाको ये सो हाथ जड़ी बूटी लगा को और हाथों से तेल बनाने होते हैं। ये तेल लगाने से अपने दिन में 10-15 बाल झड़ रहे हैं ना, 5-6 दिन में बाल झड़ना टूटना रुकावट करेगा। इधर से झड़ गया ना, उधर से नया बाल उगता है, गंजापन हो गया, गंजापन के नया बाल उगता है। माथे में डेंड्रफ, खुजली, दूसरी फोंडा कुछ भी रहते थे, 5 दिन में हट जाएगा सर, हट जाते हैं। इसी तरह 108 जड़ी बूटी हम डालते हैं, यही तेल बनाने का तेल होता है। ये हमारा तेल ओरिजिनल आदिवासी का तेल चाहिए तो महाराष्ट्र में आपको चाहिए तो मिलता है। महाराष्ट्र में हमारा ब्रांड तेल का शॉप का नाम है ओनली सुन्नू एंटरप्राइज, उधर जाकर खरीद सकते हैं सर, ओरिजिनल तेल उधर ही मिलता है। कर्नाटक के पक्षी राजपुरा गांव की हक्की टिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं।